आप अध्ययन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। कितने बच्चों के पास राजनीतिक विज्ञान में हाथ खड़ा है? आप में से कौन बता सकता है कि पूंजीवादी विचारधारा क्या कहती है? आप ट्वेल्थ पास करके आए, आपने पूंजीवादी विचारधारा का अध्ययन किया होगा। आप ये बताने का प्रयास करें कि पूंजीवादी विचारधारा क्या कहती है और उसके समकक्ष साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है। आपने आपको पढ़ा है ना, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। कोई भी बच्चा ये बता सकता है क्या कि पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा का अंतर क्या है? इतिहास में ये विचारधाराएं मान्य है क्योंकि ये विचारधाराएं सार्वभौमिक है। देखिए, पूंजीवादी विचारधारा जेम्स मिल के द्वारा विकास किया गया था। पूंजीवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा बल देती है। ये मानती है कि व्यक्ति की कार्यवाही में, व्यक्ति के जीवन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पूंजीवादी विचारधारा जो है वो राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करती है व्यक्ति के जीवन में। ये पूंजीवादी विचारधारा है। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे दबल देती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने का तात्पर्य है कि ये कहती है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य या किसी भी दूसरी संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ये मानती है कि व्यक्ति पूर्णतः चेतना युक्त है, व्यक्ति अपना अच्छा भुला बुरा सब कुछ जानता है और व्यक्ति को जो है उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मम्मी पापा कुछ कहे तो आपको बुरा लगता है? मैं तो देखो समझदार हो गया हूँ, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, आप क्या समझाओगे मुझे? और स्टूल पदम स्टूल निकाल दो, पदम जी स्टूल निकाल दो बगल के कमरे में, एक यहाँ से ले जाओ, एक ले रहे, एक यहाँ जाओ, एक ये रखा, एक ये ले ले। व्यक्तिवादी विचारधारा क्या कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, उसके जीवन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध मत लगाओ। आपको लगेगा ये बहुत अच्छी बात कर रहा है, ये विचारधारा तो बहुत अच्छी है। ये विचारधारा किन देशों की विचारधारा है आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हाँ बैठने तो नहीं दिक्कत आ रही है, स्वीडन, मैं कोई गलती कर रहा हूँ? अर्थात जो यूरोपियन देश और अमेरिकी देश है, ये उन देशों की विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा, कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप यदि यूएस, अमेरिका का या इंग्लैंड का जीवन देखेंगे तो वहां देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं 16 17 18 साल के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ देते हैं, तो नौकरी पेशा करना शुरू कर देते हैं। 18 साल की उम्र हुई, 19 साल की उम्र हुई, 20 साल की उम्र हुई, वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं मॉलों के अंदर। वहाँ अपने जैसा कल्चर नहीं है अमेरिका में और इंग्लैंड में कि बाप जो है वो बेटे के लिए कमा कमा के रख के जा रहा है, हैं?
संपत्ति बना रहा है, संपत्ति तो वो भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ जो है वो आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा है। आत्मनिर्भरता बहुत अधिक होने के कारण व्यक्ति जो है स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग करता है। अब इसके परिणाम क्या क्या निकलते हैं, देखिए ये मुख्य टैगलाइन है पूंजीवादी विचारधारा की, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। दूसरा जो तत्व निकलता है इस तत्व विचारधारा से, ये राज्य की शक्तियों का विरोध करता है। राज्य की शक्तियों या राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र का विरोध। ये इसका दूसरा तरीका है। राज्य की शक्तियों का विरोध का तात्पर्य है कि ये विचारधारा कहती है कि राज्य को, राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, उसे न्यूनतम कानून बनाने चाहिए। ये विचारधारा कहती है कि वो राज्य, वो स्टेट सबसे अच्छा है जो सबसे कम कानून बनाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन को नियमित करने के लिए कानून कम से कम हो। जैसे आपने देखा है कि हमारे देश में कानून कितने बनते, इतने कानून बनते हैं हमारे देश में, शायद किसी किसी दुनिया के देश में कानून आ ही नहीं रहे। वो कौन तो रहे हैं, कहां से निकाले हैं? तो देखिए उसमें हमारे देश की तुलना यदि मैं अमेरिका से करूं, यूएसए से करूं, भारत की, तो आपको दो अलग स्थिति दिखाई देगी। हमारे देश में कानूनों का अंबार है, यूएसए में नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा जो कहती है वो कहती है कि राज्य की शक्तियों का विरोध करती है, और विरोध से आधार है कि व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप। न्यूनतम हस्तक्षेप कब होगा राज्य का, प्रशासन का, जब वो कम से कम कानून बनाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोरोना का टाइम आया, सरकार ने क्या नया कानून बना दिया कि सभी को मास्क लगाना जरूरी है। यदि आप बिना मास्क के रोड पे चलते पाए गए तो आपको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपए का जुर्माना है। ट्रैफिक पुलिस जो है अलवर में इतने चालान करती है। आपने यदि पहले तो हेलमेट का कानून था, अब ये कानून और हो गया है, अर्थात एक नए कानून के बनने से व्यक्ति के जीवन में राज्य का और क्या हो गया है, हस्तक्षेप बढ़ गया है। अर्थात कानून जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जितने कानून कम होंगे हस्तक्षेप उतना ही कम होंगे। कानून जो है वो संस्थाओं को आधार देते हैं कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सके, कर रहे कि नहीं कर रहे। अब आप जयपुर चले जाओ, अलग यहाँ तो मुंडावर में कुछ भी इतनी वो नहीं, आप जयपुर में जाके देखो, जयपुर में आप बाइक पे या गाड़ी पे आप बिना मास्क के चलते जाओगे आपको तुरंत ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी 500 रुपये, दिल्ली में 1000 रुपये। अर्थात एक नए कानून ने व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को, राज्य की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अमेरिका में नहीं है एक कानून, वहां पर लगाना तो जरूरी है, वहां लोग अपनी इच्छा से लगा लेते हैं, इनको पता है लगाना जरूरी है, मगर ये कानून नहीं है कि आपको हम जुर्माना लगाएंगे 1000 रुपये का या 500 रुपये का। अर्थात राज्य की शक्तियां बढ़ जाती हैं जब व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, और ये पूंजीवादी विचारधारा क्या कहती है, व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
आप अमेरिका में आप शॉपों को जाके देखेंगे, दुकानों को जाके देखेंगे, जिस प्रकार की हमारी दुकानें होती हैं, वहां जो दुकानें होती है वहां पे आपको बियर, आपको शराब वहां मिलेगी, वहां आपको अनाज भी मिलेगा, मसाले भी मिलेंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक के साथ में शराब की बोतल भी रखी हुई है। अर्थात वहां का सिस्टम बहुत ही क्या है, लिबरल है, बहुत ही कम कानून है। यहाँ तो आबकारी की दुकान अलग खुली हुई है, बियर की दुकान अलग खुली हुई है, फिर उनके लिए नियम बने हुए हैं, 8 से 10 बजे तक खुलेगी, कोई नियम नहीं, जब तक दुकान